प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक रीवा का ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय को लेकर सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। टीआरएस कॉलेज की 100वीं वर्षगांठ 1981 में मनाई गई थी। अब जब 150वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी की जा रही है तो वहाँ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक रीवा का टीआरएस कॉलेज इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वजह है 150वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर। रीवा का पहला पब्लिक स्कूल ग्वालियर रियासत के मंत्री दिवाकर राव ने सन 1869 में प्रारंभ किया था, जो बाद में दरबार कॉलेज बना और फिर उसका विराट रूप ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के रूप में सामने आया था। ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय ने सन 1981 में अपनी 100वीं वर्षगांठ तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी चहल सिंह और इसी कॉलेज के छात्र रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की विशेष उपस्थित में मनाई थी। अब 150वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर तैयारियां प्रारंभ है। सारा विवाद दरअसल इसी को लेकर है। 150 साल कब पूरे होंगे, इसी को लेकर रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह और वरिष्ठ वकील घनश्याम सिंह ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता करके कुछ सवाल उठाए। यहां हम आपको बता दें, टीआरएस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य रामलला से इसी बात को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब जब महाराजा रीवा इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं तो देखना दिलचस्प होगा यह लड़ाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन वो मनाया नहीं गया, तो आप कहते हैं कि ये किसकी गलती है या किसका कसूर है, ये हम बताएं। नहीं किसी की गलती है, नहीं किसी का कसूर है। एक त्रुटि या एक माने हाँ, ये ऐसा हो गया कि किसी ने 1969 में किसी भी, आखिरकार इसको इनिशिएट करेगा तो प्राचार्य करेगा, तो ये 11-12 साल का जो गैप पड़ा तिवारी जी, 12 साल का, इसमें किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने सरकार को न लिखा, न कोई कमेटी बनाई, न कोई एसोसिएशन बनाया, ये यूं ही स्लैकनेस में पड़ा रह गया। इसमें गलती किसी की नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ वियर के संबंध में, और वो दे कैन नॉट बी चार्ज आल्सो एंड दे आर नॉट आंसरेबल, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट ए कमीशन ऑफ क्राइम, जिस तरह से आप सोचते हैं कि कोई अब कोई मिसडायरेक्ट करके, मिस रिप्रेजेंट करके गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को पहली शताब्दी समारोह मनाया गया, ये भी गलत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, साफ साफ उनके कॉन्डक्ट से, उनके आचरण से, उनके पत्राचारों से ये प्रकट है कि जो 1970 में मनाया जाना चाहिए था वो इस प्रमाद की वजह से या किसी वजह से वो डिले हो गया, विलम्ब हो गया, वो तब शुरू हुआ जब मनाया। ये डॉक्यूमेंट्स में है? हाँ, ये हमारा इंटरप्रिटेशन भी है, डॉक्यूमेंट भी है हमारा, हमारी जो व्याख्या है। तो अब जो हम सब चीज़ कह रहे हैं वो तो सब डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो हम व्याख्या कर रहे हैं कि ये 12-14 साल का जो गैप हुआ इसमें मनाया क्यों नहीं गया, इसकी तो हम व्याख्या कर रहे हैं। परंतु इन्होंने भी 69 माना कि 69 उनका बेसिक ईयर है, उसको चेंज नहीं किया जो पहले शताब्दी में। विकसित तभी होगी जब कहीं ना कहीं वो एक धारा प्रवाह चलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। एक नदी बहुत छोटी होती है जहाँ उद्गम स्थान होती है, फिर वो विशाल आकार लेती है, सैकड़ों नदियाँ मिलती हैं। विद्या भी उसी नदी प्रकार की है, विचार मिलते हैं, नए आविष्कार जुड़ते हैं, नई कल्पनाएं होती हैं, चेंजेस ऑफ सोसाइटी होती है, चेंजेस ऑफ सिविलाइजेशन होता है। इन सब चीज़ों को समाविष्ट करके ही विद्या आगे बढ़ती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 10th क्लास, अब 12th क्लास हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत था और ये सही है। जब हम लोग पढ़ते थे तो BA BSc और फिर उसके बाद में कॉमर्स आया, अब नाना प्रकार की बात आ गई। अब हम कल्पना कर रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं कि हम यहाँ एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, हम यहाँ सपने देख सकते हैं कि हम यहाँ
स्पेस साइंस की बात करेंगे, क्यों ना देखें हम सपने। विंध्य क्षेत्र को अगर आप एक, जैसे दादा भाई आदेश कर रहे थे कि कल्पना करिए, जब बसाया गया तो यहाँ के शासकों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, सच सच प्रणाम करना चाहिए कि उनका एक विजन था, उनकी एक कल्पना थी कि ये क्षेत्र जिस समय एक ज़माने में नालंदा और तक्षशिला हुआ करते थे, ये क्षेत्र जो है चूँकि BHU के करीब था, BHU में भी हमने डोनेशन दिया, हमारे परिवार ने डोनेशन दिया, वहाँ हॉस्टल बनी, BHU में भी हमारा एक कहीं ना कहीं योगदान है। तो हमने इस पूरी पीढ़ी ने यहाँ के वंश के जो महाराजा थे उन्होंने एक सपना देखा कि ये एक एजुकेशनल हब बने। तो अगर वो एजुकेशनल हब हमने 1869 और 1871, 72 से 73 तक में देखा और आज भी हम उसको देख रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पे उलझ ना उलझें, हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हम फिर जब खड़े हों तो ये कोई नाच गाना और डांस पार्टी का तो उत्सव है नहीं, हम ये उत्सव मनाकर पूरे विश्व को ये कहेंगे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारे पास एक लक्ष्य निर्धारण है। और जब लक्ष्य निर्धारण की जब हम बात करेंगे तो विकास स्वयंभू होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक 2 के दूसरे चरण में अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।